यूएस इलेक्शन में पिछली बार ट्रंप का वादा मेक्सिको के साथ देश की सीमा पर दीवार खड़ा करना था, और क्या इससे उन्हें इस बार भी कोई फायदा हो सकता है? आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। पिछले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की सबसे यादगार नीति प्रस्ताव, या कहा जाए सबसे बड़ा दाव हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप का मेक्सिको के साथ देश की सीमा के साथ एक दीवार खड़ी करने के लिए प्रतिज्ञा करना। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इन इलेक्शन में भी यही दाव एक बार फिर से कारगर साबित होगा? 4 साल बाद यह स्पष्ट है कि दीवार का निर्माण सरल कार्य नहीं रहा है, इतना आसान नहीं जितनी आसानी से ट्रंप ने इसे बनाने का वादा कर दिया था। फंडिंग को केवल पिछले साल ही सुरक्षित किया गया था और प्रशासन का न्यूनतम लक्ष्य 724 किलोमीटर की दीवार को बनाना है, जो कि सीमा की 1/4 लंबाई से भी कम है, वो भी 2020 के अंत तक। कई अमेरिकी आमतौर पर कनाडा की सीमा के बारे में सोचने में बहुत समय नहीं बिताते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पूरे तौर पर देखें तो कनाडा अमेरिका सीमा इस बार के अभियान के निशान पर एक मुद्दा बन सकता है। लॉरी ट्राउटमैन, डायरेक्टर ऑफ द बॉर्डर पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार, मुझे नहीं लगता है कि यह किसी भी तरह से एक मेन सब्जेक्ट होगा, लेकिन मुझे लगता है कि यह अतीत में होने की तुलना में अभी अधिक होने की संभावना है, खासकर अगर बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस अभी भी हैं। माना जाता है कि कनाडा इमिग्रेशन पर ट्रंप की हार्ड लाइन से कुछ मायनों में लाभान्वित हुआ है, खासकर प्रौद्योगिकी उद्योग में, जहां कनाडा विदेशों के कुशल श्रमिकों के लिए एक अधिक आकर्षक गंतव्य बन गया है। और ऐसे में फिर जो बाइडेन प्रेसिडेंसी, तब कनाडा के लिए उसी तरह से हानिकारक के रूप में देखा जा सकता है, और यह इसीलिए क्योंकि यह कई तरीके से वीजा प्रणाली में सुधार करने का भी वादा करते हैं, जिसमें प्रदान किए गए उच्च कुशल वीजा की संख्या का विस्तार करना और रोजगार वीजा पर मौजूदा देश की सीमाओं की पाबंदियों को समाप्त करना शामिल है। कनाडा में चल रही कानूनी लड़ाई का नतीजा यह नहीं हो सकता है कि कानून अमेरिका में चुनावी प्रवचन का हिस्सा बन जाए। अभी फिलहाल तो इस बात पर नजर है कि कैसे इन चुनावों में पिछले दावों का इस्तेमाल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।